नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बस्ती जिले के मुरेरवा पुलिस ने 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले युवक सौरभ मिश्रा को पंजाब के लुधियाना से अरेस्ट कर लिया। बस्ती पुलिस ने अपहरण की धमकी देने वाले युवक को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बस्ती न्यायालय में पेश किया। आपको बता दें कि बस्ती के रहने वाले अभियुक्त सौरभ मिश्रा पिछले 8 महीने से लुधियाना में रह रहा है, जहाँ वो अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए लोगों से 4 लाख उधार ले गया। जब उधार का पैसा वापस नहीं दे पा रहा था तो उसके ऊपर दबाव पड़ने लगा, जिसके बाद उसने रंगदारी में 5 लाख मांगने का प्लान बनाया। बस्ती की जिस चक्की पर अभियुक्त के पिता काम कर रहे थे, उसके मालिक प्रभात चंद्र शुक्ला के मोबाइल पर फोन करके 5 लाख की रंगदारी मांगी थी। शुक्ला जो मूल रूप से ग्राम भवानीपुर थाना मुनेरवा क्षेत्र के रहने वाले हैं, रात्रि में उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई और इसमें 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई और ना देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी गई। इस सूचना पर सर्वप्रथम प्रभारी निरीक्षक मुनेरवा द्वारा इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई और सर्विलांस की टीमें और हमारे थाना मुनेरवा की टीम इसमें सक्रिय हुई। सर्विलांस की मदद से पहले इसके एड्रेस की जानकारी की गई और यह बात प्रकाश में आई कि उक्त व्यक्ति सौरभ मिश्रा, जो भी आपके पीछे खड़ा हुआ है, इसके पिताजी पूर्व में प्रभात चंद्र शुक्ला की एक आटा चक्की की दुकान उस पर काम करते थे। बस्ती पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। खुद पर हुए हमले का जिक्र करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पुलिस ने उल्टा मेरे ही लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं प्रमुख के अयोध्या आगमन पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह के विरोध पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, भगवान राम सबके हैं, कोई भी आकर पूजा कर सकता है, चाहे वो मनसे का हो, बसपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो। अगर वो भगवान की पूजा करना चाहता है तो वो जा सकता है, चीजें चुनाव के नजदीक आते ही क्यों होती हैं। क्यों याद आया, इसके पहले याद आना चाहिए। और भगवान राम सबके हैं, कोई भी आके पूजा कर सकता है, चाहे वो बनसे का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो। अगर वो भगवान की पूजा करना चाहता है तो वो जा सकता है। और ये चीजें चुनाव के नजदीक आते ही क्यों उठती हैं? चुनाव के पहले उठाना चाहिए था, खबरदार इधर उधर नहीं आएंगे। अगर शायद महाराष्ट्र नहीं होता, आज अगर यूपी में सर्वे करा लीजिएगा तो यूपी के करोड़ों लोग पंजाब महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं। अगर दम है उनको रोकने की तो यहाँ के लोगों को रोक लो जो असुरक्षित हैं, यही फैक्ट्री बैठा दो, प्राइवेट काम लगा दो, उनको यही काम दे दो। अगर इतनी बड़ी चिंता आपको बढ़ गई है तो ये खाली सुर्खियों में रहने के लिए भाजपा के नेता इस तरह के ड्रामा करते हैं। बस्ती जिले की पेकवलिया पुलिस ने 3 शातिर चोरों को अरेस्ट किया है। इनके पास से चोरी का 4.8 लाख का सामान बरामद हुआ। पकड़े गए चोरों के पास से 1.25 लाख कारतूस, बिजली के पोल में लगाने वाले लाखों के उपकरण और एक ऑटो भी बरामद हुआ है। चालीस साल बाद असनहरा पुलिस चौकी की जमीन को असनहरा पुलिस ने भूमाफियाओं से खाली कराया। सुल्हा थाना क्षेत्र के अनसना पुलिस चौकी के नाम ग्राम सभा मोहम्मद नगर के चिराई बाधा में स्थित गाटा संख्या 173/61 एड जमीन नाम आवंटित है, जिस पर चकबंदी के बाद से ही भूमाफियाओं का कब्जा था, लेकिन आखिरकार ये पुलिस चौकी को जमीन वापस मिल चुकी है। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बर्दगोनिया के कमल चौराहे पर घर स्वामी के घर चोरी होने से हड़कंप मच गया। लाखों की चोरी का चोर फरार हो गए। लगातार इस तरह की चोरी को लगातार अंजाम चोर दे रहे हैं और हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। पूरा मामला करमेल गांव के रहने वाले बहादुर शाद का है, जिनका एक और मकान बर्दगोनिया के कमल चौराहे पर है, जहाँ पर घर के सभी सदस्य नहीं थे, तभी चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। देवरिया विधानसभा क्षेत्र के करमाजीतपुर में विधानसभा चुनाव के समय हुए मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं गौरीखुर्द के ग्राम प्रधान संजय यादव मठिया के पूर्व जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भावनाथ यादव, सोपरी के संजीव यादव, भरत यादव, 4 लोगों को पुलिस ने उठाकर कार्रवाई कर दी। वहीं बेटे पर हुई कार्रवाई पर आग बबूला हुए
पूर्व ग्राम प्रधान ने आवाज उठाई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस सत्ता के दबाव में निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस दिन की यह घटना है उस दिन मेरा लड़का पंचायत भवन पर था। अगर आप लोगों को जांच करना है तो पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी को एक बार खंगाल दीजिए। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हरिकेश मौर्य के पिता विश्वनाथ मौर्य ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उनका लड़का हरिकेश मौर्य इंटरनेशनल मैराथन धावक है। बचपन से उसका सपना था कि वो एक आईपीएस अधिकारी बने, लेकिन गरीबी की वजह से उसका यह सपना नहीं पूरा हो सका। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए एथलीट की तरफ कदम बढ़ाया। चौरी चौरा तहसील प्रांगण में उसे सम्मानित किया गया और उनका कहना था कि उनका लड़का काफ़ी मेहनती है और हौसला रखने वाला था। इसी हौसले की बदौलत उसने केनिया, इंडोनेशिया, भूटान, श्रीलंका सहित लगभग डेढ़ दर्जन देशों में होने वाले मैराथन और हाफ मैराथन में भाग लिया और बेहतर प्रदर्शन कर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए 2017 में अमेरिका चला गया। फरवरी 2022 को उसके होटल पर एक साजिश के तहत अमेरिकन पुलिस का 5वां छापे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार परिजन जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अमेरिका में बंद जेल में बंद उनके बेटे को छुड़ा लिया जाए। गोरखपुर के फातिमा हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को सुरक्षा के दृष्टिकोण जागरूक करने के लिए शाहपुर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ फातिमा अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं के बीच पहुंचे। गौरतलब है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति से 4 तरुण सुरक्षा अभियान के तहत माननीय उच्च न्यायालय और शासन जारी दिशा निर्देश के क्रम में शाहपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में महिला सुरक्षा दल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वहां पर छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर, पुलिस आपातकालीन सेवा, चाइल्ड लाइन, वुमेन पावर लाइन, साइबर पावर हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, एम्बुलेंस सेवा और अन्य सुरक्षा तथा अपराध संबंधित विषयों पर जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया है। गोरखपुर में सुबह के समय सुनसान जगह देखकर महिला और बच्चे को निशाना बनाकर उनका मोबाइल चेन और पर्स छीनकर ये शख्स फरार हो जाता था। 10 तारीख को इन बदमाशों ने कैंट थाना क्षेत्र की एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया और कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लड़की से उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने इस घटना को 48 घंटे के अंदर मुठभेड़ के दौरान सुलझा लिया और लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और प्रदेश स्तर नेता अलग अलग जनपदों में भ्रमण कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए श्रावस्ती में कोना में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर आलिम खान पहुंचे, जहाँ कार्यकर्ताओं संग बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही।